रीकैप। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आयुष किस तरह वाणी को वर्णी के चंगुल से छुड़ा लेता है। वीरभद्र प्रकट होता है और आयुष की तारीफ करता है, लेकिन वाणी उनकी बात सुन लेती है और वो बहुत नाराज होती है। अब आगे, वाणी आयुष और वीरभद्र की सारी बातें सुन चुकी थी और उनका प्लान भी जान चुकी थी कि वो आगे क्या करने वाले हैं। वाणी आयुष से पूछती है, लेकिन आयुष खामोश हो जाता है। वाणी कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझसे झूठ बोला कि हम यहाँ उन शक्तियों से बचने के लिए आए हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, लेकिन तुमने अपना असली मकसद मुझसे छुपाए रखा, तो हम यहाँ अनामिका को पकड़ने आए हैं। उसे पकड़ने के लिए तुमने मेरी और अपनी जान जोखिम में डाली, एक बार नहीं कई बार डाली। इस पर आयुष वाणी को समझाते हुए कहता है, समझने की कोशिश करो वाणी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। देखो, मेरी मजबूरी थी, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस पर वाणी नाराज होते हुए बोली, सही कहा तुमने, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए तुमने झूठ का सहारा लिया। आयुष ने वाणी को समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है वाणी, मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताने वाला था। साफ साफ तुम बताते कब हो, कभी नहीं बताते, और बताते भी हो तो झूठ बोलते हो, क्योंकि झूठ बोलने में तो तुम माहिर हो ना आयुष। मैं ही बेवकूफ हूँ, हर बार तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेती हूँ, कभी कुछ नहीं कहती। तभी आयुष को भी धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था। वो चिल्ला कर कहता है, ओ फॉर गॉड्स सेक वाणी, चुप हो जाओ, तुम्हें समझाना इतना आसान नहीं था, तुम सवाल पर सवाल करती हो, बात को उलझा देती हो। हाँ, मैं यहाँ अनामिका को उसके अंगों को नष्ट करने आया था, तुम्हें इसलिए साथ लेकर आया क्योंकि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। अनामिका तुम्हारी जान की दुश्मन बनी हुई है, वो तुम्हें मारना चाहती है और मुझे अपना बनाना चाहती है, और जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाएगी, तब तक वो हम पर ऐसे ही हमले करती रहेगी। ये सुनते सुनते वाणी फूट फूट कर रोने लगती है। तुम मुझसे झूठ कह रहे हो, मुझे पता है तुम मुझसे कोई बात छिपा रहे हो। आयुष, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आयुष गुस्से में कहता है, झूठ तो तुमने बोला है मुझसे, तुमने मुझे सब कुछ बताया मेरे अतीत के बारे में, फिर वो राज क्यों छुपा कर रखा। मैंने अतीत में जाकर सब देख लिया है वाणी, मैं हजार साल पहले हुई बात जानता हूँ। ये सुनकर वाणी चौंक जाती है कि आयुष कौन से राज की बात कर रहा है। वाणी ने आयुष को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो डरते हुए आयुष से पूछती है, तुम कौन से राज की बात कर रहे हो आयुष? आयुष का गुस्सा और बढ़ जाता है। मुझे सब पता है कि तुमने और तुम्हारे पिता ने हजार साल पहले क्या चाल चली थी मुझे, यानी राजा विक्रम सिंह को बर्बाद करने के लिए। तुम्हारे पिता ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए क्या क्या खेल रचा था, मैं भूला नहीं हूँ। ये सुनकर वाणी एकदम से डर जाती है और वो कहती है, आयुष आयुष, ये सब सच नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरे पिता ने कई प्लानिंग की थी, लेकिन मेरा उसमें कोई दोष नहीं है, मैं न जाने कैसे उनके इस जाल में फंस गई, उनकी काली शक्तियों ने मुझे अपने वश में कर लिया था, लेकिन सच ये है आयुष कि मैं हर जन्म में तुमसे और भी ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। आयुष वाणी की बात को सुनकर अपना मुंह ठीक करता है और कहता है, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं अनामिका का अंत करने के मकसद से सब कुछ कर रहा हूँ, ताकि उसे शांति मिल सके। वाणी फिर से सवालिया नजर से आयुष को देखकर पूछती है, अनामिका की आत्मा तो बोतल में बंद थी जो अलमारी में रखी है। आयुष कहता है, वो बोतल मैंने मंगा ली थी बिना तुम्हें बताए, मैं अनामिका के शरीर के हिस्सों को ढूंढकर उसकी आत्मा को शांति दिलाना चाहता हूँ, इस बोतल की हमें जरूरत पड़ेगी। फिर आयुष वाणी को याद दिलाता है कि कैसे अनामिका ने अपने प्राणों की आहुति दी और सब बर्बाद हो गया।
यहाँ तक कि मरते वक्त अनामिका ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो हर जन्म में वाणी से राजकुमार विक्रम को छीनने के लिए आती रहेगी, जब तक कि वो हमेशा के लिए विक्रम को अपना नहीं बना लेती। आयुष उसे फिर से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है, लेकिन अभी मैं अनामिका के शरीर के छुपे हुए 60 अंगों को नष्ट करने के मिशन पर निकला हूँ। ये सब सुनकर वाणी सदमे में है और वो खामोश नजरों से आयुष की तरफ देखती रह जाती है। वाणी कुछ बोल नहीं रही थी, इसीलिए आयुष पलटकर उसकी तरफ देखता है तो चौंक जाता है। वाणी आयुष के सामने जमीन पर बेहोश पड़ी थी। आयुष उसे उठाने के लिए दौड़ता है, तब वीरभद्र कहता है, घबराओ नहीं आयुष, वाणी ठीक है, मैंने उसे अपनी शक्तियों से बेहोश किया है। मेरा मानना है कि तुम्हें वाणी को सब कुछ सच सच नहीं बताना चाहिए था, इसीलिए मैंने उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बेहोश कर दिया है। अब जब वो जागेगी तो सब कुछ भूल चुकी होगी, उसे सिर्फ तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पल याद होंगे, उसकी सभी बुरी यादें मिट चुकी होंगी। थोड़ी देर बाद अचानक वाणी को होश आता है, वो उठकर बैठ जाती है और पूछती है कि उसे क्या हुआ था। आयुष उससे झूठ बोलता है कि वो भूख की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ी थी, उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वाणी जब जगती है तो सब कुछ सच में भूल चुकी थी, उसे बस इतना याद आ रहा था कि पिछली बार जब वो होश में थी तो वो दोनों झरने के नीचे नहा रहे थे, उसके बाद की कोई भी घटना वाणी को बिल्कुल भी याद नहीं थी। आयुष नजर उठाकर दूर खड़े वीरभद्र की तरफ देखता है। वीरभद्र आयुष की तरफ देखकर मुस्कुराता है। वाणी अचानक वीरभद्र को देखकर चौंक जाती है और पूछती है कि वो कौन है। आयुष वाणी को वीरभद्र से मिलवाता है और उसका परिचय देते हुए कहता है, ये वीरभद्र है, इस आइलैंड के गाइड, जो हमें उस कछुए की शक्ल वाले पत्थर तक पहुंचाएंगे और यहाँ के जहरीले जानवरों जैसे सांप, बिच्छू और भूत प्रेतों से हमारी रक्षा करेंगे। इस तरह आयुष वाणी को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाता है। वाणी को बहुत भूख लगी थी, वीरभद्र अपने तंत्र की मदद से उन दोनों को 56 तरीके के पकवान खिलाता है। उसके बाद वो लोग अनामिका के अंग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वीरभद्र उन्हें बताता है कि इस द्वीप पर कछुए के आकार के अनगिनत पत्थर हैं। ये पहचान पाना बेहद मुश्किल है कि वो कौन सा पत्थर है जिसके नीचे अनामिका का अंग मिलेगा। काफी समय पत्थर को ढूंढने में समय गंवाने के बाद वो लोग एक जगह रुक जाते हैं। वाणी थोड़ा आराम करने लगती है। इसी बीच वीरभद्र आयुष से अनामिका की आत्मा के बारे में पूछता है, जो उसने बोतल में कैद की थी। आयुष बताता है कि वो बोतल उसने शायद कहीं खो दी है, उसे ठीक से याद नहीं आ रहा। तब वीरभद्र अपनी तंत्र की सहायता से वाणी और आयुष की यादों में जाकर ढूंढने की कोशिश करता है कि वो बोतल आखिर कहाँ है। तब उसे दिखाई देता है कि वाणी ने गलती से वो बोतल कहीं फेंक दी थी और वो बोतल टूट चुकी है। अब अनामिका आजाद हो चुकी है, इसीलिए वाणी पर बार बार हमले कर रही है। वीरभद्र आयुष को सतर्क रहने के लिए कहता है और वाणी का ख्याल रखने के लिए भी, क्योंकि अनामिका फिर से वाणी पर हमला कर सकती है। वीरभद्र बताता है कि इस बार का हमला पहले से बड़ा और ज्यादा खतरनाक होगा और समझदारी भरा भी। अब तक हुए हर हमले में तुम किसी ना किसी तरह उसे बचा ही लेते थे, लेकिन इस बार अनामिका कुछ ऐसा करेगी कि तुम वाणी तक किसी तरह पहुंच ही नहीं पाओ, या फिर तुम्हें वाणी को बचाने का समय ही ना मिले, या फिर तुम्हें पता ही ना चल सके कि वाणी मर चुकी है। इसके बाद वीरभद्र ये कहकर आयुष से विदा लेता है कि उसकी सिद्धि का समय हो गया है, अगर उसे वीरभद्र की जरूरत पड़े तो उसे याद करे, वो उसकी मदद के लिए प्रकट हो जाएगा। वीरभद्र जा चुका था, अब आयुष और वाणी वहां अकेले थे। आयुष वाणी के पास जाकर लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आयुष का स्पर्श होते ही वाणी जग जाती है और दोनों
कुछ देर तक एक दूसरे को प्यार करते हैं। उसके बाद वाणी आयुष से बाहर समुद्र किनारे टहलने की जिद करती है। आयुष भी उसे मना नहीं करता। वो सोचता है कि इससे वाणी का मन थोड़ा ठीक हो जाएगा। दोनों समुद्र किनारे टहल रहे थे कि तभी अचानक उन्हें कुछ दूर से अजीबोगरीब आवाज आने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई मदद के लिए बुला रहा हो और समुद्र में डूब रहा हो। वो उसे बचाने के लिए आगे दौड़ कर जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। जहां भी वो जाते उन्हें ऐसा लगता कि आवाज थोड़ी दूर से आ रही है। वो थोड़ी और दूर जाते तो लगता कि आवाज अभी भी उनके पास से ही कहीं से आ रही है। आयुष को कुछ शक होता है। वो वाणी से वापस चलने के लिए कहता है। वाणी, हमें वापस चलना चाहिए। ये अनामिका का कोई जाल हो सकता है। रात होने वाली है, हमें अंधेरा होने से पहले वापस पहुंचना है। मुझे लगता है कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन वाणी आयुष की बात नहीं मानती। वो कहती है, तुम ठीक कह रहे हो आयुष, लेकिन अगर सचमुच एक भ्रम ना हुआ तो, सचमुच कोई इंसान डूब रहा हो तो, और बिना हमारी मदद के अगर वो मर गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इस पर आयुष कहता है, हमने अपनी कोशिश कर ली वाणी, तुम देख नहीं रही हो कितनी देर से आवाज बार बार आ रही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। वाणी इसका पलट कर जवाब देती है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इलाका पहाड़ी है, ऊपर से समुद्र, आवाज गूंज रही है, शायद हम सही दिशा में नहीं ढूंढ रहे हैं। अचानक इस बात को लेकर वाणी और आयुष में बहस होने लगती है। आखिरकार आयुष वाणी से कहता है कि जब वो बीच पर आए थे तो उसने बीच पर अनामिका का नाम लिखा हुआ देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से वो नाम लिखा है। लेकिन आयुष ने वाणी को ये बात नहीं बताई थी। लेकिन वाणी उसका यकीन नहीं करती और कहती है कि वो फिर से झूठ बोल रहा है। वाणी की इस बात पर आयुष को गुस्सा आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ते हुए वापस उसी जगह ले जाता है जहां पर उसने अनामिका का नाम लिखे हुए देखा था। लेकिन आयुष खुद ही ये देखकर चौंक गया था कि वहां अब वो नाम नहीं लिखा था। हालांकि वहां समुद्र की लहरें भी नहीं पहुंच सकती थी और हवा भी नहीं चल रही थी। कौन था जिसने वो नाम लिखा था और कौन था जिसने उस नाम को मिटा दिया था? वाणी के सामने आयुष एक बार फिर झूठा साबित हो गया था। वाणी एक बार फिर पलटकर उसी दिशा में चलने लगती है जिस दिशा से उसे वो आवाज आ रही थी। आयुष दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वाणी और तेज भागने लगती है। आयुष पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, तुम समझ नहीं रही हो वाणी, ये एक जाल है। तभी वाणी को समुद्र के अंदर कुछ ही दूरी पर कोई डूबता हुआ दिखाई देता है। वाणी चिल्लाकर आयुष से कहती है, देखो आयुष, वो रहा। इतना कहकर वाणी बिना रुके समुद्र के अंदर चली जाती है और लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ने लगती है। और आयुष खूब ध्यान लगाकर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन डूबने वाला व्यक्ति वाणी को दिखाई दे रहा था। वाणी उसे बचाने के लिए समुद्र में और गहरी जाती जा रही थी। कुछ पल के लिए तो आयुष वहीं खड़ा चुपचाप देखने की कोशिश करता रहा कि वो आदमी कहाँ है जो डूब रहा है। लेकिन जब तक वो समझ पाता, वाणी काफी गहराई में जा चुकी थी। वो चिल्लाता है, रुक जाओ वाणी, वापस आओ, ये एक जाल है। आयुष वाणी के पीछे दौड़ता हुआ पानी की लहरों को काटता हुआ वाणी की दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन तभी एक तेज बड़ी लहर आकर उसके सीने से टकराती है और उसे समुद्र के किनारे फेंक देती है। वाणी अब आयुष को दिखाई नहीं दे रही थी। वो बार बार वाणी को आवाज लगा रहा था। उधर समुद्र में वाणी उस आदमी तक पहुंच चुकी थी, वो आदमी जो अब तक डूब रहा था। अचानक डूबते डूबते वो आदमी रुक जाता है, जैसे कि वो कोई पत्थर की मूर्ति हो। वाणी अपना हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखती है। वो आदमी जैसे ही पलटता है तो वाणी की चीख निकल जाती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अनामिका थी। इससे पहले कि वाणी संभल पाती,
अनामिका अपना लंबे लंबे नाखूनों वाला पंजा सीधे वाणी के दिल में उतार देती है। वाणी सिर्फ एक लंबी गहरी सांस ही ले पाती है और अपना दम तोड़ देती है। अनामिका हंसते हुए कहती है, तुम्हारा सफर यही तक का था मेरी बहन। अपने विक्रम को पाने के लिए मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अनामिका अचानक वाणी का रूप धारण कर लेती है और तैरती हुई वापस किनारे पर आ जाती है। वाणी को जिंदा देखकर आयुष दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और नम आंखों से कहता है, थैंक गॉड वाणी, तुम ठीक हो, मैं तो डर ही गया था। वाणी मुस्कुरा कर कहती है, तुम अपनी जगह ठीक थे। वो कोई इंसान नहीं था बल्कि लकड़ी का एक पुतला था, काफी पुराना था। वाणी की इस बात पर दोनों की हंसी छूट जाती है और आयुष वाणी को गोद में उठाकर वापस जाने लगता है। वाणी मर चुकी है, अब अनामिका आगे क्या करेगी? यही जानने के लिए सुनते रहे कहानी का अगला